पिछले आधे घंटे से इस रूखे से स्टेशन पर खड़ी रेल की खिड़की के बाहर झांक रही हूं। खिड़की के बाहर क्या है, उसने पूछा। मैंने कहा, शायद बचपन, अनजानों की गोद में खेलता हुआ बचपन, इमरती पे ललचाता हुआ बचपन, उंगलियां थामे रास्ते नापता हुआ बचपन, काला रंग मुंह पर मलता हुआ बचपन, मोर पंख मत्थे लगाता बचपन, गलियों में राधा को ढूंढता हुआ बचपन, जिद्दी, अलहड़, बेखौफ, बेहया बचपन, कभी ना बड़ा होने वाला बचपन। खिड़की के बाहर है जिंदगी, खिड़की के बाहर है वो यानी कि मेरा मन, वो यानी कि मैं खुद। खिड़की के इस पार मैं हूं और खिड़की के उस पार मेरा वो हिस्सा जो हमेशा ही जूझता रहा है खुदी के सवालों के साथ। और ऐसी ही एक खिड़की हम सबके भीतर मिलेगी। मुझे इंतजार है उस दिन का जब ये खिड़की हमेशा के लिए खुल जाएगी और मैं उड़ जाऊंगी सारी बेड़ियां तोड़कर और जी लूंगी उस पार का वो बचपन फिर से। पर शायद ये मेरी मौत के बाद ही मुमकिन हो। मैं चाहूंगी कि मेरे मर जाने पर मेरे शरीर को दफनाया ना जाए और ना ही जलाया जाए, उसे सड़ने दिया जाए फूलों के ढेर के तले। वो आहिस्ता पिघलेगा, धरती के कण कण को चूम लेगा। मैं फिर से खिलूंगी किसी शजर के नीचे, दुर्वा या दुब बनकर। मैं मिल भी सकती हूं किसी बादल को, थोड़ी हवा या भाप बनकर, या फिर जन्म लूंगी किसी दश्त में, जुगनू में थोड़ी आग बनकर। आग से याद आता है एक और आग है, एक और आग है मेरे अंदर जो पाषाण बनकर मेरी रूह को जलाती रहती है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है मेरी ही मौत को। मैं चिल्लाती रही, मुझे डूबने से बचा लो। वो किनारे खड़े हुए कहता रहा, तैरना सीख लो। मैं फिर चिल्लाई, किसी और दिन तुम मेरा हाथ पकड़कर तैरना सिखा लेना, मैं सीख लूंगी। उसने कहा, तैरना तो तुम्हें खुद ही होगा। मैं आशा भरी नजरों से उसे देखती रही। उसकी नजरों ने मुझसे कहा, आशा मत रखो। मैं जूझती रही, तड़पती रही, मेरी सांस फूल गई। मुझे फिर भी भरोसा था कि मेरी आखिरी सांस लेने से पहले वो मुझे बचा लेगा। वो खड़ा रहा किनारे और मैं डूब गई। मुझे दरिया ने भी उड़ेल दिया बाहर। वो खुश था, उसे लगा कि मैं तैरना सीख गई। वो खुश था कि मैंने तैरना सीख लिया, पर वो मेरा शब था। जरूरी क्या था मेरा तैरना सीख पाना या मेरा जिंदा बचना।